बता सकते हैं आप? जरूर बता सकते हैं। बताइए। ए पहले बताओ, हनुमान आराधना देखा है? जी हाँ देखे हैं। तो ये चोली आराधना है। चोली आराधना, इससे क्या लाभ होता है? जब से हम चोली आराधना शुरू किया, जब से हम चोली आराधना शुरू किया, तब से नेपाल में भूकंप बंद हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि नेपाल को भूकंप से आप ही बचा कर रखे बाबा। अगर हम चाहेंगे तो आधा घंटा के अंदर में धरती उलट पलट कर सकते हैं। अच्छा, इतनी शक्तिशाली बाबा है आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री श्री 108 श्री पागला नंद गोहरावा बाबा। मिलाइए गोहरावा बाबा, इसका मतलब कि आप गोरौली में रहते हैं? घुसौली में रहते हैं, लेकिन जहाँ भी रहते हैं हम अपना साधुनी जी को साथ लेकर रहते हैं। हम साधु हैं, ये हमारे साधुनी है। आप है इतने बड़े महात्मा और इस तरह साधुनी लेकर घूम रहे हैं, लोग क्या कहेंगे आपको? शर्म नहीं आती आपको? शर्म खालदानिये बेशर्मी है। देश भ्रमण करने वाला बाबा है हम, नेपाल से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर नेपाल तक। ओम शांति भंडारा महायज्ञ अठजाम मधान लखड़ाओ, बिना निमंत्रण के हम लोग जाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं हम अपना साधुनी जी को साथ लेकर जाते हैं। बेरा डूब जाने के बाद रात भर एक घंटी डुलाती है, हम भोग लगाते हैं। अच्छा, इन्हें कहाँ से लेकर आए आप? साधुनी जी को बाबा धाम से लेकर आए हैं। बाबा धाम, बैजनाथ धाम। तीर्थ करने के लिए गए थे बचवा, जब उधर से आपस लौटा तो रास्ता में हमको ये मिल गई। हम अपना यंत्र मंत्र में इसको फंसाया, हम अपना मोबाइल नंबर देकर आधा घंटा के अंदर में लव कर लिया। क्या कर लिए? लव कर लिया। मैं तो ये पहली बार सुना हूं कि आजकल के साधु महात्मा भी लव करने लगे हैं। का है? क्योंकि साधु महात्मा तो हमेशा भगवान की पूजा में लीन रहते हैं, उनकी तपस्या में लीन रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है लव करने की। शास्त्र में लिखा है बचवा। क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा है लव, LOVE, चार अक्षर में लव होता है। बाबा इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? जरूर बताएंगे। चार अक्षर में लव, LOVE, और चार अक्षर का फुल फॉर्म, यल के हिला के, ओ के दबा के, भी में डाल के, ई के आवाज आएगा तो समझिएगा लव हो गया। ये शास्त्र से बता रहे हैं। एक काम कीजिए बाबा, कोई स्तुति सुनाइए, जैसे हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जी सुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रजाए निज मल मखुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रजाए निज मल मखुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसोधा, एक फल मुरई के अचार। धन धन गुरु तेरा ही असरा, धन धन गुरु तेरा ही असरा, मिल गया मछली बन गया जतरा, बेटा चल गया विदेश तो पतोहिये पयासरा। बाबा मैंने आपको कहा हनुमान चालीसा सुनाने के लिए, ये आप कौन सा चालीसा सुना रहे हैं? एक मिनट बाबा, मैं पूछ रहा हूं आपको, मैंने कहा हनुमान चालीसा सुनाने के लिए, ये आप कौन सा चालीसा सुना रहे हैं? ए विदेशी चालीसा सुना रहे हैं। विदेश जाने वालों को शिक्षा दे रहे हैं। आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उन्हें बिगाड़ रहे हैं आप। बिगाड़ रहे हैं? आप कह रहे हैं धन धन गुरु तेरा ही असरा, मिल गई मछली तो बन गया जतरा, इसका मतलब कि आप जतरा में निकलते हैं तो मछली खा करके निकलते हैं? मछली खाने वाला बाबा है हम? बाबा को इंसल्ट कर रहा है साधुनी जी। हाँ साधु जी। अंदर जाओ, बियर का बोतल लेकर आओ। क्यों साधु जी? अभी इसको शराब देंगे। बाबा हम शराब नहीं पीते हैं। पीने वाला शराब नहीं बोल रहे, तो आप कह रहे हैं कि शराब, शराब बियर का बोतल, तो बियर का बोतल में क्या होता है? गंगा जल है। मिलाइए, बियर के बोतल में गंगा जल रखे हैं। गंगा जल है, अभी आँख अंधा कर देंगे। नहीं 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 बाबा नहीं, अंधा मत कीजिए हमें, क्योंकि आँख के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। हमें अंधा मत कीजिए, हमसे जो भी भूल हो गई हो इसके लिए हमें क्षमा कीजिए, लेकिन अंधा मत कीजिए। साधुनी जी से मांग लो। क्या मांग ले? क्षमा, क्षमा। तो खुले शब्द में कहिए ना कि क्षमा मांग लो। तो हम क्या मांगने के लिए कह रहे हैं?
ये आप कह रहे हैं कि सदनी जी से मांग लो, आप कुछ भी मांग सकते हैं। सदनी जी के ऊपर गलत नेत्र से देख रहा है, क्षमा मांगने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत क्षमा मांगने के लिए कह रहे हैं। सदनी जी हमें क्षमा कर दीजिए। साधु जी माफ कर दीजिए ना। तू करे तो हम पूरा जीतपुर छोड़ देंगे। ए वाला रख लो बचवा, ए वाला रख लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहले हम कहा हमको ये अर्थ बताइए, धन धन गुरु तेरा ही असरा, मिल गई मछली तो बन गया जतरा, इसका अर्थ पहले बताइए। मेरा कहने का मतलब है घर से निकलने के बाद अगर मछली मिल जाए तो जतरा बन जाता है। देखने से, देखने से। हाँ अच्छा, इसका अर्थ तो बता दिए, अब इसका अर्थ बताइए किसका। बेटा चला गया विदेश तो पतोही पर असरा, ये हम कब बोला। मिलाइए सौधरी जी, करे कि हम कब बोले। हम बोले अभी तो बोले हैं आप। हाँ साधु जी, तो हम बोले तो कहाँ गलती बोले हैं, क्या सही बोले हैं। सही है बोले हैं, प्रूफ करके बताइए। मेरा कहने का मतलब है विदेश जाने वाले को 3 साल का एग्रीमेंट होता है, जाने के लिए तो जाता है लेकिन आपस प्लास्टिक में लपटा के आता है। बाप माता नहीं समझते बेटा चल गया विदेश, सेवा करने वाला कोई नहीं है, फिर सोचते कि चलो घर में पतो है, पतो से सेवा करवा लेंगे। तो आप सेवा के लिए कर रहे हैं। बेटा चला गया विदेश तो पतो ही पास रहा, सेवा करने के लिए। मैं तो इसका अर्थ ही उल्टा समझ गया था, जनरेटर का पिलास बुझा रहा है, विदेश जाने वाले से पिटवाएगा हम। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वाला रखो ये वाला, ये तो चोली है बाबा, इसे हम क्यों रखें। बाबा चोली लेकर घूमता है। अभी तो आप चोली चालीसा का पाठ पढ़ा रहे थे। कलजुग, कलजुग का महावीरी झंडा है। ये महावीरी झंडा है भाई, मिलाइए। ये कौन सा टेलर में सिलाए हैं आप। लव टेलर में सिलाए हैं। लव टेलर में, तो इसको हम क्या करें। इसका बहुत फायदेमंद चीज है, इसको हम क्या करें। गांव में बसवारी है जी, एक ठो बांस कटवा लेना, सजवा देना, फुंची में बांध कर आगना में लटका देना, टोला भर सुरक्षा करेगा, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल तीनों काल से रक्षा करेंगे। भूतकाल क्या है। भूतकाल उसे कहते हैं जो बीत गया है। भविष्य काल क्या है। भविष्य काल आने वाला है। और वर्तमान काल क्या है। अभी चल रहा है। आपका कहने का अर्थ ये है कि जो बीत गया सो बीत गया, और जो आने वाला है और जो अभी चल रहा है उसे ये रक्षा करेंगे। बहुत ही फायदेमंद चीज है। कांधा पर रखने से 3 फायदा भी है। क्या क्या फायदा है। कांधा पर रखने से जुंडिस नहीं होगा। दूसर का फायदा, बंचक नहीं पकड़ेगा। और तीसर का फायदा, 1 महीने बाद 150 मिनट का भूकंप होने वाला है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं। तीसर का दृष्टि से देख रहे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं। 3 मतलब कि 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद अंदर में 10 स्केल 15 स्केल का भूकंप होगा। अब उसमें ज्यादा भगत लोग मरने वाला है। पीने खाने वाला नहीं मरेगा, भगत लोग मर जाएगा। भगत लोग, भक्त लोग तो भगवान की पूजा करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे, मर जाएंगे हम लोग पीने खाने वाले आदमी। उल्टा काल है बचवा, भगत लोग मर जाएगा, पीने वाला नहीं मरेगा। कैसे। इसलिए कि पीने वाला भट्टी से निकलने के बाद धरती से बेसी स्केल में हिलता है, महसूस नहीं होगा हिला कि नहीं हिला। लेकिन भगत लोग टेंशन में मर जाएगा, कब फटेगा, अब सतयुग आ गया, कलयुग जा रहा है, या है वाह है, फर्स्ट में मर जाएगा, टेंशन से मर जाएगा। लेकिन पीने वाला नहीं मरेगा। हम इसीलिए कहते हैं ये भूकंप में बचाएगा। एक ठो तुम रख लो, एक ठो अपने बाबूजी खातिर से। आपका नाम मत लीजिए, कह देता हूँ। नहीं लीजिएगा। नहीं ठीक है, तो जा रहे हैं हम। कहाँ। भंडारा में जाना है। ओ अभी भंडारा में जा रहे हैं आप। निमंत्रण मिला है। बिना निमंत्रण को चला जाते हैं हम लोग, बिना निमंत्रण के पहुँचाते हैं। कलैया जाना है, कलैया। तो आपको वहाँ पाने के लिए, भोजन के लिए क्या चीज का व्यवस्था होगा वहाँ पर। बॉयलर चावल का। बॉयलर जानते किसे कहते हैं, मुर्गा को कहते हैं। मुर्गा खाते हैं हम, बॉयलर बोले, बॉयलर वही तो कह रहे हैं। बॉयलर मुर्गा को कहते हैं। मुर्गा को बोल, मतलब मीट चावल, मीट चावल, मीट चावल, मांस भात। तस्मय आप शुद्ध शाकाहारी है, मांस भात खाएंगे। तस्मय मीट चावल,
और जो ऐसे कहिए ना कि मीठ चावल दसमाई आ रहे हैं, 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं। हमारा आने से पहले चकमक चकमक बंद करवा दीजिएगा। क्यों नहीं, इसको हम बाइलेंस से गड़बड़ा रहा है, ये वाला बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसी आप